नमस्ते फ्रेंड्स, दादी दादी स्वागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग आदेश ब्लॉग में। आज है एकादशी, आज हम कुछ स्पेशल बनाते हैं। आज मेरे हस्बैंड का बर्थ रहता है, चलिए देखते हैं, खूब टेस्टी सा बनाएंगे। मैंने ले लिया 2 से 3 कच्चा आलू, इसमें डाल दिया है हरा धनिया काट दिया है, 1 हरी मिर्च काट दी है, इसमें मैंने डाल दिया सीधा नमक, काली मिर्च मैंने पीस के डाल दी है। और हम इस व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसे हम बनाएंगे कुट्टू के आटे में। अभी मैंने डाल दिया कुट्टू का आटा, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाउल छोटा पड़ रहा था इसलिए मैंने इसे एक थाली में ट्रांसफ़र कर दिया है, देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह का पतला घोल नहीं बनाएंगे, सूखा सा बैटर बना के उसी में आलू के साथ मिक्स कर देंगे। डाल मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई, इसमें डाल दिया मैंने देसी घी। ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए हम इसे देसी घी में फ्राई करेंगे। आपको जो तेल खाते उसमें फ्राई कर सकते हो। ये देख सकते हैं, इसे हम छोटा छोटा डाल देंगे, छोटा छोटा डालने से पक जाता है जल्दी और अंदर तक पक जाता है, क्रिस्पी भी बनता है। ये दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है ये पकौड़े और खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के देखने के लिए। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। देख सकते हैं जितना तेल था उस हिसाब से मैंने पकौड़े डाल दिए हैं। अब इसको हम एक साइड से अच्छे से पकने देंगे, फिर हम उसको पलटेंगे। देख सकते हैं एक साइड से पक गया था, फिर मैंने इसे दूसरी तरफ भी पका लिया है पलट के, धीमी आंच पे सेकेंगे इसे ताकि अंदर तक पक जाए अच्छे से और क्रिस्पी भी बने। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मैंने व्रत के लिए बनाया है, हल्दी वल्दी नहीं डाली है इसलिए इसका कलर ऐसा हुआ है, पर ये टेस्टी बहुत बनता है, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। व्रत में तो पूछो ही मैं दोस्तों, इतना मज़ा आता है, चटपटा बहुत ही चटपटा बनता है। देख सकते हैं मैंने साथ निकाल लिए, मेरे पक गए हैं अंदर तक, फिर इसी तरह जो बचे हैं उसको भी हम डाल के अच्छे से पका लेंगे सारे पकौड़े को। इसमें मैंने कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है। चलिए अब सर्व करते हैं। सबसे पहले हम अपने लट्टू गोपाल को भोग लगाएंगे। ये मैंने बनाया था गाजर का खीर और ये पकौड़े, ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं गाजर खीर में, हम पकौड़े रखते हैं। चलिए हस्बैंड को देके आते हैं, पहले लट्टू गोपाल का भोग लगाएंगे। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। आई होप आपको पसंद आया हो। बाय।